मैं दीप दीप पेट्स लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करेंगे आप सभी का बाढ़ इस गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्दी है। आज वीडियो बनाने जा रहा है नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में, जो हम लोग सीरीज का पूरा बना रहा था। आज और एक नेचुरल ट्रीटमेंट के सीरीज में बताएंगे। आज बताएंगे हम लोग सजन लीव्स और सजन के पत्ते और डोमेस्टिक पत्ते और हम लोग इसको और एक नाम से पहचानते हैं मोलिंगा लिए पत्ते, इसके ही बढ़ेंगे हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम लोग तो इसको खाते हैं घर में सब्जी के साथ, तो इसका फ़ायदा बहुत कुछ होता है। इसका पत्ते जो मिलते हैं उसको हम लोग बाट से बाट को देने से बाट का बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा रहता है। बाट का लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। वीडियो लास्ट तक ना मत देखना भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो का फ़ायदा क्या है। आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो लास्ट में ऐसे कुछ बातें बताएंगे जो बाट के लिए हम लोग यूज़ ही नहीं किया अभी तक, तो आप लोग यूज़ करना और फ़ायदा लेना। तो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कोलिंगा के पत्ते के बारे में। इसमें बहुत तरह का विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड रहते हैं। हम लोग बाट के लिए हर तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो हम लोग क्या करते, मेडिसिन लेके आते और उससे ही बाट का केयर करते। तो बाट का केयर नेचुरल से तरीके से आप लोग कीजिए। नेचुरल तरीके से कीजिए मतलब नेचुरल तरीके से करना ही होगा, क्योंकि बाट का हेल्थ के लिए हम लोग ज़िम्मेदार रहेंगे। तो बाट के हेल्थ के लिए हम लोग क्यों ज़िम्मेदार रहे? नेचुरल तरीके से जो बाट हम लोग इन्वायरमेंट में मिलते हैं, मतलब हम लोग आसपास जो मिलते हैं उड़ते रहता है, इन लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग बाट के लिए नेचुरल दवाई, नेचुरल ट्रीटमेंट जो ही मिलता है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे बाट का बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छा रहता है। देखिए एक बात ज़रूर जान लेना, जो भी हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इस बाट के लिए रहता है और बाट ज़्यादातर बीमार पड़ते रहता है, क्योंकि उसका कोर्स हर टाइम हम लोगों को कराना ही पड़ेगा। क्योंकि बाट के लिए जब भी ये प्रॉब्लम होगा तो बाट का और कुछ से इसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इतना साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो हम लोग नेचुरल मेडिसिन यूज़ करने से उस जो मेडिसिन मिलता है उसको हम लोग यूज़ करवाना नहीं चाहिए और करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट बाट के लिए करेंगे, इससे बाट आपके साथ बहुत दिन तक रह पाएगा। तो आप लोग यही उम्मीद करेंगे आप लोग नेचुरल ट्रीटमेंट करेंगे तो जो विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड जो मिलता है इस मोरिंगा पत्ते के अंदर और साजन लिप्स के अंदर, मतलब इस पत्ते के अंदर, तो उसमें विटामिन जो जो मिलता है उसे विटामिन B1, B2, विटामिन सी, विटामिन ए भरपूर मात्रा में इससे रहता है। इस साजन लिप्स अर्थात मोरिंगा पत्ते के अंदर जो विटामिन मिलता है उस सब कुछ से भी ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा मिनरल्स मिलता है। इस विटामिन हम लोग गाजर जो खिलाते हैं सब फूड के, उस गाजर से भी ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, और जो एक खिलाते हैं उस एक से भी ज़्यादा इसमें विटामिन रहता है। और इसमें अंदर बाट का जो हम लोग कमला लेबू खिलाते हैं उस कमला लेबू से भी ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, और केले से भी ज़्यादा पोटाशियम मिलता है, और जो पालंग के जो पत्ते खिलाते हैं हम लोग उसे साग बोलते हैं पालंग साग, उससे भी ज़्यादा हम लोगों को आयरन मिलेगा इस मोरिंगा पत्ते के अंदर, मतलब साजन पत्ते के अंदर। तो अभी बात करेंगे मिनरल्स, जो मोरिंगा पत्ते के अंदर आपको भरपूर मात्रा में बहुत तरह का मिनरल्स मिलेगा, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, जिंक आपको मिलेगा, और भी बहुत तरह का मिनरल्स इसमें रहता है। आप लोग बाट को, स्लिप्स को खिलाना मत भूलना, खिलाएंगे तभी तो इसको मिलेगा। घर में जब भी छोटा चिक्स निकलता है, कबूतर का भी चिक्स निकलता है और छोटा छोटा चिक्स और दूसरे बाट का भी जब निकल आता है, तो मच्छर काटने से उसको चेचक हो जाता है,
तो हम लोग इस साजन का पत्ते को पेस्ट बना के पाउडर बना के उसी जगह पर लगा देंगे तो बाट का उस चीज़ का से फ़ायदा मिलेगा, जो घाव ठीक हो जाता है। जब भी बाट लड़ाई करके खून निकल आता है तो बाट को हम उसी कमरिंगा पत्ते का जो पाउडर हम लोग बना के रखा था उस पाउडर को हम लोग उसी जगह पर लगा देंगे। इससे बाट का जो भी खून निकल आता है वो बंद हो जाएगा और बाट का जल्दी से जल्दी उस घाव को ठीक भी हो जाएगा। साजन लीफ से मतलब मोरिंगा पत्ते से बाट का पेट का प्रॉब्लम मतलब बाट का जो डाइजेशन सिस्टम है उसको भी ठीक करने में मदद करते हैं। बाट जो भी चीज़ खाते हैं उस डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। बाट का इससे पेट का जो भी कोष्ठकाठिन्य बोलते हैं और जो भी पानी टाइप का पॉटी हो जाए ग्रीन कलर का जो भी पॉटी हो जाए तो हम लोग मोरिंगा पत्ते को इससे बाट को खिला देंगे। इससे बाट का बहुत जल्दी नेचुरल तरीके से बाट बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा तरीके से ठीक हो जाएगा। बाट को इम्यून सिस्टम ठीक करने में मदद करते हैं। बाट का इम्यून सिस्टम ठंड लगने का जो हम लोग रहता है वो बाट का इम्यून सिस्टम में ठीक करने में मोरिंगा पत्ते बहुत ज़्यादा काम पे ले जाता है। मोरिंगा पत्ते खिलाएंगे और सपोर्ट के साथ ऐसे हम लोग खिला देंगे बाप हम लोग ऐसे भी पेस्ट बना के खिलाएंगे और ऐसे पत्ते भी दे के खिला सकते हैं। इससे बाट का जो भी ठंड लगने का अतः प्रॉब्लम रहता है और ठंडा पड़ने के पहले भी हम लोग मोरिंगा पत्ते खिला सकते हैं। इससे बाट पहले ही मोरिंगा पत्ते खाने से इम्यून बूस्टअप हो जाएगा और बाट का कोई भी ठंड लगने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मोरिंगा पत्ते से डीवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बाट का जब छोटा छोटा कीड़ा पेट के अंदर हो जाता है तो मोरिंगा पत्ते खिलाने से बाट का उस प्रॉब्लम को वो भी ठीक हो जाता है। उस प्रॉब्लम का ठीक क्रिमिनाशक मतलब हम लोग जो दवाई खिलाते हैं उससे भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा रहता है। तो हम लोग मोरिंगा पत्ते को इस तरीके से खिला के बाट का क्या मतलब डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। जो भी पेट का प्रॉब्लम रहेगा बाट का और एक चीज़ से भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है उस को बारे में दूसरा वीडियो में बात करेंगे। उसका नाम बाद में बताएंगे और पत्ते का पिक्चर आप लोग देख पाएंगे उस पत्ते के बारे में बात करेंगे दूसरा वीडियो में और जो अगला वीडियो आएगा तो आप लोग देखना मत भूलना उस वीडियो को। वीडियो के अंत तक देखा है तो आपको अच्छा लगे है तो एक लाइक करना मत भूलना। एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है और अब तक अभी लोग क्या कह नहीं सब्सक्राइब नहीं यानी तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिए तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। दूसरा जो भी वीडियो मैं डालूँगा आप लोग पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो अभी ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।